नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अग्रोहा के पास कल सड़क हादसे का शिकार हुए फतेहाबाद के डीएसपी चंद्रपाल सिंह को आज उनके गांव जलनिया में विश्नोई प्रथा के अनुसार मिट्टी दे दी गई। इस दौरान सशस्त्र पुलिस बल की ओर से उन्हें शस्त्र झुकाकर सलामी दी गई। इस अवसर पर फतेहाबाद के विधायक दुड़ा राम, फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी समेत पूरा पुलिस विभाग और शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। डीएसपी चंद्रपाल बीती शाम फतेहाबाद पुलिस लाइन से साइकिलिंग करते हुए हिसार की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वे अग्रोहा ओवरब्रिज के पास पहुंचे तो पीछे से आ रही अज्ञात कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिससे मौके पर ही उनका निधन हो गया था। फतेहाबाद से एसपी आस्था मोदी समेत अन्य डीएसपी और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाद में पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार की तलाश शुरू कर दी थी। डीएसपी चंद्रपाल को टक्कर मारने वाली कार को आज पुलिस ने बरामद कर लिया है। कार सावरवास क्षेत्र में लावारिस हालत में खड़ी मिली। पुलिस ने कार को जब्त कर कार के मालिक की तलाश शुरू कर दी है। कार पर राजस्थान का नंबर लगा है, जिससे माना जा रहा है कि कार राजस्थान क्षेत्र की है और कार का फ्रंट हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। पुलिस कार चालक की तलाश में जुट गई है। फतेहाबाद से हमारे संवाददाता ईशान रुखाया की रिपोर्ट। ये बड़ी भारी दुख की बात है और एक काबिल अफसर, ना बढ़िया काबिल अफसर, कभी भी कोई डीएसपी वाली बात नहीं थी। बहुत बढ़िया काबिल अफसर थे। परिवार को नुकसान तो हुआ ही है, समाज को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। तो ये कहूँगा परमात्मा इनको अपने चरणों में जगह दे और इसको सदमे को सहन करने की परिवार को शक्ति दे। ये झलनिया गांव है, समाज में दफनाते हैं। तो ये कल अग्रवा के पास एक्सीडेंट हुए, क्योंकि इनको साइकिल चलाने का शौक था। जब भी टाइम मिलता ज़्यादा सफ़र साइकिल पर किया करते। इन्होंने रिवाज अपना बच्चे हिसार रख रखे थे, वहाँ हिसार जा रहे थे फतेहाबाद से, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। हाँ, वो हो गया गाड़ी, कल पता चल गया है, गाड़ी ले लिया। आज तक सारा वो शाम तक, कल तक पता चल जाएगा किस आदमी कौन है क्या। जी, ये साइकिल से जा रहे थे हिसार, कल जा रहे थे, एक इन्वेस्टिगेशन के उसमें जा रहे थे। बहुत ही एविड साइकिलर हैं और कई 50-60 किलोमीटर तो रूटीन में साइकिलिंग करते थे डीएसपी साहब। तो कल जब जा रहे थे, अग्रोहा के पास एक अननोन व्हीकल ने, जिसको अब हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, एक अननोन व्हीकल ने उनको पीछे से हिट किया और उसकी वजह से उनकी जो उसमें चोटें आई, उसकी वजह से उनकी मौके पे ही जो है मृत्यु हो गई है। जो वो व्हीकल है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अग्रोहा थाने में इस मामले में FIR रजिस्टर कर ली गई है। वो व्हीकल को हमने कल रात को रिकवर भी कर लिया है। तो इसमें जल्द ही जल्द जो भी जो ड्राइव कर रहे थे उसको, जो भी मुलजिम है, उनको हम गिरफ्तार करेंगे। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट है। डीएसपी साहब बहुत ही उत्कृष्ट अधिकारी थे और हम लोग बहुत डिपेंड करते थे उनके ऊपर। पब्लिक में भी बहुत अच्छी छवि थी उनकी और बहुत ट्रस्ट था जो आम जनता का था उनके अंदर, कि वो फेयर हैं, जस्ट हैं, इनकी इंटेग्रिटी पे, सिंसियरिटी पे कोई डाउट नहीं था। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में भी उनको भेजने में हम लोगों को मैं निश्चिंत हो जाती थी उनको भेज के, कि वो जा रहे हैं तो वो संभाल ही लेंगे। पब्लिक का कोई भी व्यक्ति जो है उनकी बात मना नहीं करेगा। तो इस प्रकार की उनकी पर्सनालिटी और नेचर था। तो इरिपेरेबल जो लॉस है वो है हमारे डिपार्टमेंट को, जो परिवार को लॉस है। पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो भी एक परिवार की तरह ही होता है। तो उनके परिवार को और हमारे पुलिस के परिवार को, दोनों को एक इरिपेरेबल ये लॉस हुआ है उनकी ये अनटाइमली मृत्यु से। इनके साथ कोई और भी थे कुछ? नहीं, साइकिलिंग तो ये लोग साइकिल पे तो अकेले ही थे, उनके साथ और भी लोग थे जो जा रहे थे। जी, वो तो जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें सारे तथ्य उसमें जांच कर लिए जाएंगे। जी
कि वो आइडेंटिफाई हो गया जिस कार ने उनको हिट किया है, तो उससे जो भी वो व्यक्ति है उसको आइडेंटिफाई करके जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो प्रॉपरली की जाएगी। जी जी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।